वेलकम टू एग्जाम विवेचना। तो आज की वीडियो का अगला प्रश्न है 61 पृथ्वीराज रासो किस कोटि की रचना है। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना चाहिए कि जो पृथ्वीराज रासो है किसकी रचना है, तो ये चंद्रप्रदाय की रचना हो जाएगी और इसे हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। और जो चंद्रप्रदाय है इसे हिंदी के प्रथम महाकवि कहा जाता है। इनको अपने तथ्यों को ध्यान रखना है। इसके पश्चात जो प्रश्न पूछा गया है पृथ्वीराज रासो किस कोटि की रचना है, तो ये वीरगाथा महाकाव्य कोटि की रचना मानी जाती है और इसमें 68 छंद है और 69 इसमें सर्ग या समय है, इसका भी आपने ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है। तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ के लेखक होंगे राम कुमार वर्मा। जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा है इन्होंने अपने इस इतिहास को भक्ति काल तक ही सीमित रखा है, इसके आगे इन्होंने इसे नहीं बढ़ाया है। कई बार प्रश्न बनता है कि वो कौन सा इतिहास ग्रंथ है जिसे भक्ति काल तक ही सीमित रखा गया है, तो वो हो जाएगा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर राम कुमार वर्मा का। तो यहाँ से कई बार ये प्रश्न भी बनता है कि जो राम कुमार वर्मा है इन्होंने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है, उसका नाम आपने मुझे बताना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति कौन सी है। तो इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है विधेयवादी पद्धति, और जो ये पद्धति है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में इस पद्धति का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, विद्यापति ने कीर्तिलता को किस संवाद रूप में लिखा है। तो ये लिखा था भृंगभृंगी संवाद रूप में, और इसे भृंगभृंगी संवाद रूप सबसे पहले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कहा गया था। अगला प्रश्न है, 65 राठौड़ा रिख्यात के रचयिता कौन है। तो राठौड़ा रिख्यात के रचयिता हो जाएंगे दयालदास। अगला प्रश्न है, 66 नाथों में रसायनी कौन माने जाते थे। तो जो नाथों में रसायनी माने जाते हैं ये नागार्जुन माने जाते हैं। कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि जो निम्न में से कौन सा संप्रदाय ऐसा रहा है जिसमें अधिकतर विद्वान रसायनी थे, तो ये नाथ संप्रदाय हो जाएगा। तो कई बार ये प्रश्न सीधा सीधा बनता है कि नाथों की संख्या कितनी मानी जाती है, तो नाथों की संख्या मानी जाती है 9। अगला प्रश्न है यहाँ पर 67, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पद्यों को भी आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के पदों को भी, पंक्ति किसकी है। तो ये पंक्ति हो जाएगी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। अगला प्रश्न है 68, काफिर बोध पंचाग्नि दयाबोध अष्टचक्कर वह रस राह ग्रंथ के रचयिता कौन होंगे। तो ये सभी जो ग्रंथ है यहाँ पर महत्वपूर्ण है, अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, सबसे महत्वपूर्ण होगा काफिर बोध। तो इनके रचनाकार हो जाएंगे गोरखनाथ। अगला प्रश्न है, कैमास बद किस रचना का खंड है। तो ये हो जाएगा पृथ्वीराज रासो का। आगे है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता कौन है। दामोदर शर्मा यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। अगला है, मनु कला शशिभान कला 1600 बनी है, पंक्ति के रचनाकार कौन होंगे, चंद्रप्रदायी। आगे है, राउलबेल श्रृंगार परख चंपू काव्य के रचयिता कौन होंगे, रोड़ा कवि हो जाएंगे। अगला है 73, अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि माना जाता है, स्वयंभू को माना जाता है। इसके पश्चात है, स्वयं को अभिमान मेरु किसने कहा, पुष्पदंत के द्वारा कहा गया था। आगे है, आदिकाल को संधिकाल एवं चारणकाल किसने कहा, तो ये राम कुमार वर्मा के द्वारा कहा गया था। अगला प्रश्न है 76, बौद्ध सिद्धों के पदों और दोहों को बौद्धगान और दुहा नाम से बांग्ला भाषा में प्रकाशित किया था, पंडित हरप्रसाद शास्त्री के द्वारा। अगला प्रश्न है 77, पुरुष परीक्षा किसकी संस्कृत में रचित रचना है। तो जो पुरुष परीक्षा होगी ये संस्कृत में रचित विद्यापति की रचना हो जाएगी। अगला प्रश्न है 78, रिठणेमी चरयु के रचनाकार का नाम बताइए। तो जो ये रचना है रिठणेमी चरयु, तो ये हो जाएगी स्वयंभू की, ठीक है। कई बार ये रचना पूछी जाती है, अधिकतर बच्चे कन्फ्यूज जाते हैं इसका नाम सुनकर कि ये किसकी रचना होगी, पर ये स्वयंभू की रचना हो जाएगी। अगला प्रश्न है, कीर्तिलता की भाषा बताइए। तो बताना है जो कीर्तिलता है किस भाषा में लिखी गई है, तो ये अभट भाषा में लिखी गई है। और ये प्रश्न भी आपके लिए छोड़ देता हूँ, आपने बताना है कि जो कीर्तिलता भाषा है, कीर्तिलता रचना है, किसकी रचना होगी। अगला प्रश्न है 80, भू परिक्रमा के रचयिता का नाम बताइए। तो जो भू परिक्रमा रचना है, तो ये विद्यापति की रचना हो जाएगी।